नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं कविता सिंह और मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं जेनेसिस कोचिंग सेंटर नगरोटा बगवा। हैदराबाद एनकाउंटर पर बोले जयराम ठाकुर, अभी बड़ा कमेंट नहीं करूंगा, दुराचार की घटनाएं रोकनी होंगी। गैंगरेप आरोपियों की मौत पर पूरे प्रदेश में जश्न, कहीं पटाखे फूटे कहीं बंटी मिठाई। धर्मशाला में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में भीषण अग्निकांड, लाखों का नुकसान। बर्थी में आईटीबीपी और पोंटा में सीआरपीएफ जवान की अंतिम विदाई पर उमड़ा सैलाब। दसवीं और बारहवीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं कल से। बिलासपुर में सिंथेटिक ट्रैक तैयार, नए साल में उद्घाटन का प्लान, एक साथ हो पाएंगे 12 खेल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हैदराबाद गैंगरेप कांड दिल दहला देने वाला था, ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सभी को मिलकर ठोस प्रयास करने होंगे। घटना के आरोपियों के एनकाउंटर पर सीएम ने कहा कि अभी इस मसले पर बड़े कमेंट का समय नहीं है। देखिए, जो घटना वहां पर घटित हुई है वो सचमुच में दिल को दहला देने वाली है। जो बेटी के साथ जिस प्रकार का वहां पर व्यवहार हुआ, जिस प्रकार से सारी घटना घटित हुई, उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। जहां तक एनकाउंटर की बात है, वो अभी सिर्फ हमको तो जानकारी इस बारे में मिली है, उसमें बहुत बड़ी कोई प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो घटना घटित हुई है, ऐसी घटनाओं पर कैसे रोक लग सके, ऐसी घटनाओं को किस प्रकार से रोका जा सके, ये हमारे लिए सचमुच में वो चिंता का भी विषय बना है। और मैं इस गुड़िया के साथ जो घटना जो वहाँ पर घटित हुई है तो उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। सीएम शुक्रवार को हमीरपुर के एक दिवसीय दौरे पर पत्रकारों से मुखातिब थे। धर्मशाला में 9 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष रचनात्मक भूमिका निभाते हुए लोकहित के मुद्दों को सत्र में उठाए। बाद में उन्होंने राज्य स्तरीय हमीर उत्सव का भव्य शुभारंभ किया। उन्होंने यहां करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास किए। हैदराबाद में महिला डॉक्टर से रेप के बाद शव जलाने के आरोपियों का एनकाउंटर होने से प्रदेश में कई जगह जश्न मनाया गया। शिमला में कई युवाओं ने हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई को सही बताया और कहा कि इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। वहीं ऊना के पुराना बस अड्डा चौक पर व्यापारियों ने लड्डू बांटकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि रेपिस्ट के साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। दूसरी ओर धर्मशाला शहर में भी युवाओं ने पुलिस की कार्रवाई की जमकर सराहना की। युवाओं का कहना था कि ऐसे अपराधों के दोषियों को तुरंत कड़ी सजा दी जानी चाहिए। विस्तृत समाचार एक विराम के बाद। जेनेसिस जिला कांगड़ा चंबा का नंबर वन कोचिंग सेंटर। कांगड़ा के नगरोटा बगवा और योल में नीट जेई एनडीए एचपीसीईटी में देश के बेहतरीन शहरों से फैकल्टी के साथ प्रदेश के युवाओं को उच्च गुणवत्ता के साथ कोचिंग दे रहा है। बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ ढेरों सुविधाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला के कोतवाली बाजार में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शाखा में भीषण अग्निकांड से लाखों का नुकसान हुआ है। देर रात लगी आग से बैंक की शाखा का सारा सामान और दस्तावेज भी जलकर राख हो गए हैं। हालांकि दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है, लेकिन इससे पहले ही लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। इसके बाद पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर आग लगने के कारणों की जांच की। अब फोरेंसिक टीम द्वारा आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बैंक मैनेजर ने कहा कि मुख्य कार्यालय से टीम आ रही है और उनके द्वारा भी नुकसान का निरीक्षण किया जाएगा। तो उनका जो पैनल रूम था उसमें आग ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो उसको हमने कंट्रोल किया और उसको कंट्रोल करने के लिए लगभग हमारे को 1.5 घंटा
और नुकसान लगभग जो है 50 लाख के करीब है, और बचाई गई संपत्ति जिसमें जो उनके जो लोन के डॉक्यूमेंट्स लिए 13 करोड़ के वो बता रहे थे, 3 लाख कैश बताया अपने जो वहाँ के मैनेजर के, और साथ में जो दूसरा बंधन बैंक था उसकी बिल्डिंग को बचा दी। छत्तीसगढ़ और असम में विभिन्न घटनाओं में मारे गए आईटीबीपी और सीआरपीएफ के दोनों जवानों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शुक्रवार सुबह पहले बिलासपुर जिला के तहत बैठी के आईटीबीपी जवान महेंद्र सिंह को उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वे छत्तीसगढ़ के हालिया गोलीकांड में मारे गए थे। सुबह 7 बजे उनका पार्थिव शरीर पैतृक गाँव सिंडियार पहुँचा। दोनों बेटों ने उन्हें मुखाग्नि दी। महेंद्र सिंह का बड़ा बेटा तीसरी और छोटा बेटा दूसरी कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। दूसरी ओर सिरमौर जिला के तहत टोका गांव निवासी सीआरपीएफ जवान अजमल खान की उनके गांव टोका में पूरे सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। असम के डोबरी में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे अर्धसैनिक बल का वाहन पौंटा साहिब पहुँचा। दिवंगत जवान के साथ ISI चरणजीत सिंह ने बताया कि अजमल खान की मौत गोली लगने से हुई है, जिसकी जाँच चल रही है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में कल से 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। बोर्ड की फाइनल परीक्षाओं से पहले ये प्री बोर्ड की परीक्षा काफी अहम मानी जा रही है। इसी के तहत शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सभी जिला उपायुक्तों और शिक्षा विभाग के जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। सभी जिलों ने उन्हें इन परीक्षाओं की तैयारियों की जानकारी दी। ये परीक्षाएं 20 दिसंबर तक चलेंगी। इस माह आपको डिपो में 100 ग्राम ज्यादा चीनी मिलेगी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने डिपो के लिए अतिरिक्त कोटा जारी किया है। इस बार दिवाली के दौरान राशन उपभोक्ताओं को चीनी का कोटा नहीं मिला था। फिलहाल दिसंबर माह के कोटे में यह अतिरिक्त कोटा जारी कर दिया है। जारी किए गए कोटे के तहत राशन उपभोक्ताओं को प्रति व्यक्ति 100 ग्राम अतिरिक्त चीनी मिलनी तय की गई है। यदि राशन कार्ड में 5 सदस्य शामिल हैं, तो प्रति कार्ड यह चीनी आधा किलो अधिक मिलेगी। हिमाचल में रातें और सर्द होने लगी हैं। मनाली के बाद कल्पा और केलांग का पारा फिर से लुढ़क कर -डिग्री में पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से समूचे राज्य में रात को शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में 11 दिसंबर से मौसम करवट लेगा। इस दौरान मैदानों में गर्जन के साथ बारिश होगी। पहाड़ों पर बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि राज्य में अगले सप्ताह के दौरान मौसम करवट लेगा। राज्य में 11 और 12 दिसंबर को बारिश व बर्फबारी होगी, जिससे राज्य में फिर से शीतलहर का प्रकोप बढ़ सकता है। और अब खेल समाचार। स्पोर्ट्स हब के नाम से ख्याति प्राप्त बिलासपुर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। बिलासपुर के गोविंद सागर झील के किनारे सिंथेटिक एथलेटिक इंटरनेशनल ट्रैक बनकर तैयार हो गया है। लगभग 9 करोड़ की लागत से निर्मित सिंथेटिक ट्रैक का कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही इसे खेल विभाग के हैंडओवर किया जाएगा। दिसंबर अंत या फिर नए साल में इसका उद्घाटन करवाए जाने की योजना है। खास बात यह है कि जर्मन व मॉरिशस तकनीक आधारित इस तरह का सिंथेटिक ट्रैक देश में कहीं भी नहीं है। ट्रैक पर 12 खेलों का आयोजन एक साथ करवाया जा सकेगा। और अब चलते चलते, पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे आरोपी। सरकाघाट प्रकरण के 8 आरोपियों को मिली सशर्त जमानत। डमटाल में पुलिस ने चिट्टे संग काबू किया बाइक सवार, भागने की फिराक में था बदमाश। 142 साल बाद कल रिटायर हो जाएगा 3 सदियां देखने वाला मंडी का ऐतिहासिक विक्टोरिया पुल। और सिरमौर के कमरों में शादी समारोह में हादसा, मकान की छत गिरने से महिला की मौत, 3 लोग जख्मी। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं करनैल राणा की आवाज में यह प्रस्तुति। करा दिया बिया उठे हो गईया, बकिया दीवारा तू लगी हो गईया। करा दिया
बिया उठई हो गईया पकिया दीवारा है तू लगी वो गया मेड़ पड़े से सारे हुए बगाने खूब तरकिया हसा करी वो लिया मेड़ पड़े से सारे हुए बगाने खूब तरकिया हसा करी वो लिया ककड़िया फोटा होला रे दाने चोरी छुपी जाई असा कितराच खाने पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।